दोस्तों, क्या आपने भी किसी सिटी में, किसी मार्केट में अपना एक ऑफलाइन स्टोर या फिर कोई शॉप या फिर किसी भी कैटेगरी से रिलेटेड कोई दुकान आपने खोल रखा है और आपका ऑफलाइन में उस स्टोर से, उस शॉप से, उस दुकान से ज़्यादा सेलिंग नहीं आ रहा है, अपने बिजनेस से आप ज़्यादा मुनाफा नहीं ले पा रहे हो, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही वीडियो को क्लिक किया है। इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने उसी ऑफलाइन स्टोर को, ऑफलाइन शॉप को, ऑफलाइन दुकान को ऑनलाइन ला करके अपने उसी बिजनेस को 5x तक ग्रो कर सकते हो। यानी मैंने कहने का मतलब ये है कि आप अपने उसी बिजनेस से दोस्तों ज़्यादा मुनाफा ले सकते हो और आपके पास कस्टमर भी ज़्यादा आएंगे अगर आप अपने ऑफलाइन बिजनेस को ऑनलाइन लाओगे। जैसा कि आपको पता है कि आजकल डिजिटल ज़माना है, सभी लोग अपने चीज़ों को डिजिटल ला रहे हैं और अपने काम को डिजिटली कर रहे हैं। तो अगर आप अभी तक दोस्तों ऑफलाइन में ही अटके हुए हो, तो अब आपके लिए भी ये समय आ चुका है कि अपने चीज़ों को आप ऑनलाइन लाओ, या फिर आपका शॉप हो या फिर स्टोर है, किसी भी चीज़ को आप ऑनलाइन लाओगे तो आपका यकीनन जो सेलिंग है, जो मुनाफा है, वो ज़्यादा होगा। तो इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने शॉप को, स्टोर को ऑनलाइन ला सकते हो, वो भी कुछ ही मिनटों के अंदर अपने स्मार्टफोन से। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, आप अपने स्मार्टफोन से भी इस वीडियो को देख के दोस्तों अपने ऑफलाइन स्टोर को ऑनलाइन ला सकते हो। तो अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं करा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। और इसी तरीके से टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए, ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए, या फिर डिजिटली कोई भी वीडियोस देखने के लिए दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। वीडियो के नीचे दिए गए लाल कलर के सब्सक्राइब वाले बटन के ऊपर क्लिक करके, हेलो दोस्तों, मैं हूँ रौशन और आप देख रहे हो टेकी गगन यूट्यूब चैनल। तो चलिए चलते हैं सीधा प्लेटफॉर्म के ऊपर और जानते हैं कैसे आप इस काम को कर सकते हो। तो सबसे पहले दोस्तों आपको प्ले स्टोर के ऊपर आना है। प्ले स्टोर के ऊपर आने के बाद आपको सर्च करना है माय बिजनेस क्रिएट फ्री ऑनलाइन स्टोर स्टार्ट अर्निंग। तो इसका आप लोगो ध्यान से देख लीजिए, इसी एप्लीकेशंस को आपको डाउनलोड करना है या फिर इसका डायरेक्ट लिंक आपको मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शंस में प्रोवाइड कर दूंगा, तो वहां से भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। अगर दोस्तों हम रेटिंग की बात करें तो यहां पर आप देख सकते हो 4.3 की रेटिंग है, और डाउनलोड की बात करें तो अभी ये एप्लीकेशंस, अभी ये प्लेटफॉर्म फ़िलहाल नया है, इसीलिए सिर्फ और सिर्फ 5000 लोगों ने अभी डाउनलोड किया है। तो धीरे धीरे करके इसका जो डाउनलोडिंग है और इसका जो रेटिंग है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जाएगा। और यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट्स के ज़रिए बताया गया है कि किस तरीके से अगर आपका कोई स्टोर है, आपके स्टोर में कोई भी आप सामान अगर बेच रहे हो ऑनलाइन ना आकर के ऑफलाइन, तो दोस्तों यहाँ पर आप उसी प्रोडक्ट को ऑनलाइन इन प्लेटफॉर्म के मदद से बेच सकते हो और इससे आपका जो सेलिंग है आपके बिजनेस का वो काफ़ी ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर कुछ डिटेल बताया गया है, और पेमेंट जो है वो आप क्लाइंट से, कस्टमर से ऑनलाइन ही रिसीव कर सकते हो, और आप अपने पूरा जो बिक्री है, जो आपका पूरा हिसाब है, वो आप ऑनलाइन ही रख सकते हो पूरा यहाँ पर इस तरीके से डिटेल के साथ। और अपने बिजनेस का आप यहाँ पर दोस्तों QR कोड भी जनरेट कर सकते हो, इसे स्कैन करके कोई भी डायरेक्टली आपको पेमेंट भी कर सकता है। तो इस एप्लीकेशन को सबसे पहले आपको डाउनलोड करना है, डाउनलोड करने के बाद आपको सीधा इसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा, क्रिएट योर फ्री ऑनलाइन स्टोर। सिंपली आपको अपना मोबाइल नंबर इस बॉक्स में डालना है, सेंड OTP के ऊपर नीचे क्लिक करना है। यहाँ पर आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP कोड आएगा, उस OTP कोड को इस बॉक्स में डाल के आपको अपना जो मोबाइल नंबर है वो वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद अगला इंटरफेस कुछ इस तरीके से आपके सामने आ जाएगा, आपको अपना स्टोर का जो पूरा डिटेल है वो यहाँ पर फिल करना है, डालना है, जैसे कि आपके स्टोर का नाम क्या है, आपके दुकान का नाम क्या है, वो चीज़ आपको इस बॉक्स के अंदर डालना है। इसके बाद यहाँ पर स्टोर का एक यूज़र नेम आपको बना लेना है,
तो यहाँ पर जो भी आप यूजर नेम बनाओगे तो ये mybusiness.in/ के बाद यहाँ पर वो आपका नाम रहेगा। इसके बाद स्टोर कैटेगरी यानी आप अपने स्टोर में क्या चीज़ सेल करते हो, आपके स्टोर का या फिर आपके शॉप का, आपके दुकान का कैटेगरी क्या है, वो चीज़ आपको यहाँ पर डालना है और डालने के बाद नेक्स्ट के ऊपर नीचे क्लिक करना है। तो यहाँ पर दोस्तों फैशन से रिलेटेड यहाँ पर कैटेगरी है, इसके बाद ग्रॉसरी से रिलेटेड यहाँ पर कैटेगरी है, मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक का कैटेगरी है, होम एंड किचन का यहाँ पर एक कैटेगरी है, तो काफ़ी सारे कैटेगरी हैं। तो जो भी कैटेगरी से रिलेटेड आपका शॉप, आपका दुकान या फिर आपका स्टोर है उस कैटेगरी को यहाँ पर सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको अपने स्टोर का पूरा जो एड्रेस है वो यहाँ पर डालना है, स्टोर एड्रेस। तो इस बॉक्स में आपको एड्रेस डालना है, आपका स्टोर या फिर आपका शॉप किस सिटी में है वो चीज़ यहाँ पर डालना है, स्टोर का जो भी एरिया है उस एरिया का जो भी पिन कोड है वो चीज़ आपको यहाँ पर डालना है, या फिर यहाँ पर लोकेशन से भी आप अपने स्टोर के एड्रेस को यहाँ पर डाल सकते हो। और जैसे ही दोस्तों आप ये प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हो तो आपके सामने कुछ ऐसा ऑप्शन आ जाता है, कंप्लीट योर सेटअप, स्टोर क्रिएटेड सक्सेसफुली, आपको लेट्स गो के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर दोस्तों मैंने रेंडमली कोई भी नाम कुछ भी डाल के यहाँ पर एक अपना जो ऑनलाइन स्टोर है वो बना लिया है, लेकिन आपको सही सही चीज़ डालना है, जो भी आपके स्टोर का नाम है, जहाँ पे आपका स्टोर है वो एड्रेस बिल्कुल सही सही, बिल्कुल मोबाइल नंबर भी एकदम करेक्ट आपको डालना है, ताकि ऑफलाइन जो आप बिजनेस कर रहे हो वहाँ पर जो कस्टमर आप तक नहीं आ रहे हैं तो वो कस्टमर ऑनलाइन ही आप तक यहाँ पर आपके एड्रेस पे आ जाएंगे सर्च करके, तो इससे आपके पास कस्टमर भी बढ़ेगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो फाइनली आपके पास इस तरीके से यहाँ पर डैशबोर्ड देखने के लिए मिल जाएगा। अब आपको करना क्या है कि आपका स्टोर का या फिर आपका शॉप का यहाँ पर ये एक मेन लिंक हो जाएगा, इस लिंक को आपको शेयर करना है सोशल मीडिया के ऊपर। इस लिंक पर क्लिक करके भी आ सकते हैं लोग आपके स्टोर तक और आपके स्टोर से सामान या फिर जो भी चीज़ आप सेल कर रहे हो वो चीज़ यहाँ पर बाय कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, अपने स्टोर के ऊपर कोई भी चीज़ दोस्तों सेल कर सकते हो और अपना ऑर्डर यहाँ पर देख सकते हो, कितना ऑर्डर आपके पास आया है, प्रोडक्ट व्यू यानी कितने लोगों ने आपके प्रोडक्ट को देखा है, उसके बाद स्टोर को, आपके स्टोर को कितने लोगों ने देखा है वो चीज़ यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद यहाँ पर देखिए नीचे में भी कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, आप अकाउंट पे क्लिक करोगे तो आपके अकाउंट का पूरा समरी दिख जाएगा। यहाँ पर दोस्तों एक QR कोड है, आप इसे भी शेयर कर सकते हो, इस पर भी क्लिक करके दोस्तों कोई भी आपके स्टोर तक आ सकता है। इसके बाद मिनिमम ऑर्डर अमाउंट, ये सब चीज़ दोस्तों आप यहाँ पर सेट कर सकते हो, डिलीवरी चार्ज वगैरह क्या कुछ आप लेना चाहते हो वो सभी चीज़ यहाँ पर आप सेट कर सकते हो। और उसके बाद आप उसी ऑफलाइन बिजनेस को ऑनलाइन इस प्लेटफॉर्म के मदद से ला करके अपने किसी भी सामान को, किसी भी प्रोडक्ट को दोस्तों ऑनलाइन सेल कर सकते हो, और ऑफलाइन से कहीं ज़्यादा दोस्तों यहाँ पर आपका जो मुनाफा है वो होने वाला है, क्योंकि ज़्यादा सेल होगा तो आपका मुनाफा भी ज़्यादा होगा। इसके बाद यहाँ पर नीचे में टूल वाले ऑप्शंस के ऊपर क्लिक करोगे तो कस्टमर्स, प्रोमो कोड वगैरह यहाँ पर रहेंगे, वो चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हो। इसके बाद पेमेंट वगैरह का ऑप्शंस है, आप पेमेंट कैसे और कहाँ पर लेना चाहते हो वो चीज़ यहाँ पर सेट कर सकते हो। तो जस्ट लाइक दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया है कि कैसे आप इस प्लेटफॉर्म के मदद से अपना एक ऑफलाइन स्टोर या फिर शॉप को ऑनलाइन ला सकते हो। अगर आपको इसके बारे में डिटेल से जानना है, पूरा स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ों के बारे में, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं इसके बारे में डिटेल से आपके लिए वीडियो लेकर के आऊँगा, पूरा सेटअप कैसे आपको करना है। तो इस वीडियो के अंदर दोस्तों इतना ही, मिलते हैं एक और नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।